हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। गाइस इससे पहले कि 15 क्वेश्चंस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूँ, आप एक बार जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 के साथ हम लोग शुरू करेंगे। गाइस मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो हिंदी में है, बट मैं ट्राई करूँगी आपको इंग्लिश में भी बताने की। तो शुरू करते हैं, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? इन इंग्लिश, व्हाट इज द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स? ऑप्शन ए गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, ऑप्शन बी केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी जीन्स या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट्स जीन्स। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है, यानी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। तो क्या लगता है आपको गाइस? ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ऑप्शन बी मानक संदर्भित परीक्षण यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ऑप्शन सी क्वेश्चनेयर या फिर ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। तो क्या लगता है गाइस आपको, शैक्षिक मापन का कौन सा तरीका नहीं है यानी कौन सी विधि नहीं है? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मानक संदर्भित परीक्षण। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा, यानी टू अंडरस्टैंड द हेरिडिटी यू मस्ट अंडरस्टैंड। क्या समझना होगा गाइस? ऑप्शन ए समानता का नियम यानी द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ऑप्शन बी भिन्नता का नियम यानी द लॉ ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन सी प्रतिगमन का नियम यानी द लॉ ऑफ रिग्रेशन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है गाइस, जब आप बात करते हैं हेरिडिटी की, वंशानुक्रम की, तो आपको ये सारे के सारे नियम आवश्यक रूप से समझना जरूरी होता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है, यानी विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्शन रिसर्च। क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए समस्या का चयन यानी सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, ऑप्शन बी परिणामों का सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, ऑप्शन सी क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, या फिर ऑप्शन डी समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण, प्रिपेयरिंग प्लान टू ओवरकम द प्रॉब्लम। क्या लगता है गाइस आपको? क्वेश्चन नंबर 19 किसके साथ जाएगा? तो 19 जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी के साथ, परिणामों का सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? निर्देशन एंड परामर्श को बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है? तो हम लोग इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग? तो ऑप्शन ए समायोजन करना यानी एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी उन्मुखीकरण करना यानी ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी संवेगों का विकास करना टू डेवलप इमोशंस, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी किसके साथ जाएगा? गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या नहीं कर सकता, कौन सा उसका पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन सी संवेगों का विकास करना यानी टू डेवलप इमोशंस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। श्यामपट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे या फिर ध्यान देंगे? तो श्यामपट बोलते हैं गाइस ब्लैक बोर्ड को, और अक्षर बोलते हैं लेटर्स को। तो जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो आपको क्या लगता है, आपको किस चीज़ के लिए ध्यान देना जरूरी है? ऑप्शन ए श्यामपट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी श्यामपट तथा शिक्षक के मध्य दूरी डिस्टेंस बिटवीन ब्लैक बोर्ड एंड टीचर, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष की लंबाई यानी लेंथ ऑफ क्लासरूम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस एक बार का ध्यान रखिएगा, जब हम ब्लैक बोर्ड पर काम करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर काम हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो श्यामपट तथा शिक्षक यानी ब्लैक बोर्ड और टीचर, हम मेरे और ब्लैक बोर्ड के बीच में दूरी तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ, पर बच्चों और ब्लैक बोर्ड के बीच में दूरी तो
इतना चीज़ मैं नहीं मेंशन कर सकती, तो मुझे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी मैं ब्लैक बोर्ड पर काम करूँ तो जो मैं लिख रही हूँ वो मेरे बच्चों तक पहुँचे, यानी बच्चा वो देख पाए। तो यानी बिल्कुल सही ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे, सैंपल तथा विद्यार्थी के मध्य दूरी। क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना कहलाता है। यानी द कॉग्निटिव बिहेवियरल स्किल ऑफ इनेबलिंग द लर्नर टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स इन रियल सिचुएशंस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी विश्लेषण या एनालिसिस, या ऑप्शन डी संश्लेषण सिंथेसिस। तो क्या लगता है आपको गाइज, ऑप्शन 22 का आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन 22 जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? यानी फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स इनर फीलिंग्स। क्या लगता है गाइस आपको? चलो ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन ए प्रश्नावली, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर, ऑप्शन बी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ऑप्शन सी समाजमिति यानी सोशियोमेट्री, ऑप्शन डी प्रत्यारोपण विधि यानी ट्रांसप्लांटेशन मेथड। तो क्या लगता है आपको गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 किसके साथ जाएगा? या बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी के साथ, प्रत्यारोपण विधि यानी ट्रांसप्लांटेशन मेथड के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है, शिक्षण अभियोग्यता मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स, क्या लगता है आपको गाइस? अभी देखते हैं ऑप्शन हमें क्या मिले हैं। ऑप्शन ए है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण यानी डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग वर्क, ऑप्शन बी शिक्षक बनने की इच्छा रखना डिजायर टू बिकम अ टीचर, ऑप्शन सी शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना यानी ऑल द रिक्विजाइट एबिलिटीज फॉर प्रोफेशन ऑफ अ टीचर, या फिर ऑप्शन डी छात्रों से अच्छा मेल जोल गुड रैपोर्ट विद स्टूडेंट्स। क्या लगता है गाइज आपको, क्वेश्चन नंबर 24 किसके साथ जाएगा? ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर सी के साथ, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। शिक्षक बनना ठीक है पर उसकी योग्यताएं भी तो जरूरी है। इसके साथ अगले क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हुए, आप अपने विद्यार्थियों के मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? यानी हाउ विल यू मेनली डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन अमंग योर स्टूडेंट। आपके पास बच्चे हैं, एक क्लास है, आप उसमें स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? अब देखना यह है कि आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन ए उनको उत्तरदायित्व देकर यानी गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑप्शन बी अच्छे चरित्र के नियम बताकर टेलिंग देम रूल्स फॉर गुड कैरेक्टर, ऑप्शन सी दंड देकर यानी गिविंग पनिशमेंट, ये तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है गाइस, दंड देना इज नॉट आवर चॉइस, ऑप्शन डी नियमों का पालन कराकर फॉलोइंग द रूल्स। 25 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है आपको? अच्छा चरित्र के नियम बताकर, ठीक है ये चीज़ अच्छी बात है कि आप किसी बच्चे को अच्छी बातें बता रहे हैं, पर क्या लगता है आपको स्व अनुशासन उस चीज़ से सीख पाएगा? नहीं। दंड लेकर, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को अगर पनिशमेंट दिया जाए तो वो कुछ अच्छा कर पाएगा। ऑप्शन डी नियमों का पालन कराकर, बिल्कुल भी नहीं, वो कोई गाय भैंस बकरी थोड़ी है जो उसको बोला जाए कि बेटा सीधा जा राइट जा लेफ्ट जा, उसे खुद से चीज़ें करनी होंगी, तो खुद से चीज़ करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, उनको उत्तरदायित्व देकर गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो धीरे धीरे वो खुद ही डिसिप्लिन में आने लगता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है, तो क्या लगता है आपको? अ टीचर प्लान्स हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कीपिंग इन व्यू, क्या लगता है आपको गाइस, क्या रखता है वो ध्यान में? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए निर्मित उद्देश्य यानी द ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेटेड, ऑप्शन बी मानव एवं भौतिकी संसाधन यानी द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों,
ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लगता है गाइज, आपको एक टीचर क्या ध्यान में रखेगा? ऑब्वियस बात है, टीचर को सब कुछ ध्यान में रखना है, तो यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। क्या लगता है आपको गाइस? ऑप्शन ए विन्यास प्रेरण यानी सेट इंडक्शन, ऑप्शन बी संचलन यानी मूवमेंट, ऑप्शन सी हाव भाव यानी गेस्चर, ऑप्शन डी वाक स्वरूप परिवर्तन चेंज इन वॉइस। तो क्या लगता है गाइस आपको, कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? तो बिल्कुल सही बात है, सेट इंडक्शन यानी विन्यास प्रेरण के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि यही इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 28। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज फॉर। क्या लगता है गाइस? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में यानी ग्रुपिंग द स्टूडेंट्स इन स्कूल, ऑप्शन बी निर्देशन के प्रयोजन हेतु यानी गाइडेंस पर्पस, ऑप्शन सी चयन करने के प्रयोजन हेतु यानी सिलेक्शन पर्पस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या लगता है गाइज, आप 28 के कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? भाई मैं तो जाऊंगी ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम मापन के करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा गाइज, इसमें पूछा है क्या आवश्यक नहीं है, व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट या फिर व्हाट इज नॉट एसेंशियल फॉर मेजरमेंट ऑफ लर्निंग। तो क्या लगता है, अधिगम को लर्निंग बोलते हैं गाइज, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना यानी टू नो टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग, ऑप्शन बी परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना यानी टू नो वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशंस, ऑप्शन सी परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना टू नो रिलायबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशंस, ऑप्शन डी विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना टू नो एक्वायर्ड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। तो क्या लगता है आपको, अधिगम के लिए क्या चीज़ जरूरी नहीं है? मेरे हिसाब से शिक्षण की टैक्टिस का पता लगाना यानी ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर, यानी ये सही आंसर है इसीलिए ये गलत आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है यानी द कर्व इंडिकेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्निंग इज कॉल्ड, ऑप्शन ए वृद्धिमान आवर्तन कर्व यानी कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ऑप्शन बी ह्रासमान आवर्तन वक्र यानी कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ऑप्शन सी समान आवर्तन वक्र यानी कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, या फिर ऑप्शन डी एस आकार वक्र यानी एस शेप्ड कर्व। क्या लगता है आपको? जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर डी एस आकार वक्र यानी जिसमें 6S की हम लोग बात करते हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे गुण समाहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग इस चीज को यहीं कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ गाइड टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ Let me know in the comments how was it the session. Thank you. Jai Mahadev.